एक एक पैग और मारेंगे लास्ट। क्या बोलता है राजीव? अरे विक्की, डेढ़ खंबा डाउन हो चुके हैं, दो दो जॉइंट भी मार चुके हैं, छोड़ना यार। दिस इज लाइफ मैन, एंजॉय इट। राइट नकुल? एब्सोल्युटली राइट। मैं तो कहता हूँ इसके बाद एक एक जॉइंट और मारते हैं। विक्की सच बोलो यार, मैं तो ऑलरेडी एलोसिनेट कर रहा हूँ यार। मुझे दो विक्की दिखाई दे रहे हैं, एक इधर और एक उधर। अरे नकुल, मेरी भी हालत तेरी जैसी है यार। मैं घर पे फोन करना चाहता हूँ, पर लेट हो जाऊंगा। लग ही नहीं रहा है फोन यार, नहीं लग रहा यार। अबे साले ची, से चूजे कॉल लगा तू? नहीं लग रहा यार। लगेगा तो बता मुझे भी। एक मिनट देना। तू लगा रहा है? ये ले। अबे ये तो सीडी प्लेयर का रिमोट है। दिस इज व्हाट आई कॉल लाइफ, एंजॉय इट। Cheers to the three most happy people in the world. Cheers. कितनी कमाल की बात है नहीं? साला हम एक ही ऑफिस में काम करते हैं, एक ही डिपार्टमेंट में, मगर अपना इंटरेक्शन ना के बराबर। और एक रोज अपन मिलते हैं और पीने बैठ गए। सोच Cheers for my new friends. Cheers. सही बोल रहा है राजीव। साला एक बिल्डिंग, एक ऑफिस, एक ही फ्लोर, फिर भी अपना इंटरेक्शन यार बिल्कुल बात नहीं होती थी। और सडनली अपने तीनों मिलते हैं और अपने यहां पे गॉड ने अपने को मिलाया है, जरूर कोई रीजन के लिए मिला होगा, राइट? मैं कह रहा हूं दिस इज लाइफ, एंजॉय, राइट नकुल? व्हाट राइट घंटा राइट? साला लाइफ सक्स बिग टाइम। सुबह उठो, अपनी मरवाना शुरू करो और रात तक मरवाते रहो, मरवाते रहो, मरवाते रहो। सही बोल रहा नकुल यार। साला सुबह उठता हूँ, मिरर के सामने देखता हूँ, हंसने की कोशिश करता हूँ। कितनी खोखली हंसी है यार, सब बनावटी, सब बनावटी। बस सच बोले तो कुछ समझ नहीं आता यार। ऑफिस जाता हूँ तो बॉस डंडा करता है, घर लौटता हूँ तो घर काटने को दौड़ता है, और घर से बाहर निकलो तो जो देखो मेरी शक्ल देखकर हंस रहा है और चिल्ला चिल्ला कर मेरी शक्ल पर बोल रहा है तेरी। यार सच बोलूं, मैं भी अपनी जिंदगी पे बोझ बन गया हूं। सबसे दूर जाना चाहता हूं यार, सबसे दूर, एकदम दूर, जहां मुझे कोई घूर घूर के ना दिख रहा हो, कोई भी ना हो मेरे आजू बाजू, कोई घूर घूर कर ना देखे मुझे। यार मुझे तो एक दरवाजा दिखाई दे रहा है यार, और उस दरवाजे के पीछे भी मैं ही हूं, लेकिन मैं बहुत खुश हूं यार। I'm very happy यार। I just want to go away, यार। I just want to go away. यार, मैं भी दूर जाना चाहता हूँ यार, भागना चाहता हूँ यहाँ से यार। दौड़ता रहूँ, दौड़ता रहूँ, दौड़ता रहूँ, तब तक नहीं दौड़ू जब तक नहीं रुकू जहाँ पे कोई ना हो, सिर्फ मैं अकेला हूँ, सिर्फ शांति हो, मुझे कोई सवाल नहीं पूछे, मुझे किसको भी जवाब नहीं देना पड़े। बहुत दूर जाना चाहता हूं।
जीना नहीं चाहता यार, आई डोंट वॉन्ट टू लिव, मैं मर जाना चाहता हूँ यार। I've decided. I want to commit suicide. मैं भी मरना चाहता हूँ यार, बहुत दूर जाना चाहता हूँ यार। Let's commit suicide. नकुल तू बता यार, तू मरना क्यों चाहता है? मैं मरना क्यों चाहता हूं? मैं मरना क्यों चाहता हूं? मेरा 18th बर्थडे था। There was like, I was very happy. Adult हुआ था ना? मानो लाइफ के अंदर एक लीगल लाइसेंस मिल गया हो, दारू पीने का, मस्ती मारने का, एंजॉय करने का। पापा ने खुद बोला एंजॉय। आई वॉज वेरी हैप्पी। मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मेरे लिए सरप्राइज पार्टी रखी थी, सारे फ्रेंड्स को बुलाया था, सारे फ्रेंड्स। दैट डे वॉज सो गुड। हमने बहुत दारू पी, बहुत दारू पी, खूब नाचे, खूब मस्ती मारी। बट जिंदगी हमेशा वो होती नहीं जो दिखाई देती है। इट्स वेरी डिफरेंट। रात के 3 कब बज गए मालूम ही नहीं पड़ा, कैसे बजे बिल्कुल मालूम ही नहीं पड़ा। मेरी बेस्ट फ्रेंड बोली वापस घर जाते हो, लेट्स रेस। हमने कार रेस शुरू की यार। आई वॉज वरी, आई वॉज जस्ट विनिंग। आई वॉज विनिंग यार। मेरी गाड़ी उससे आगे थी यार। रात के 3 बजे सुनसान सड़क पे, पता नहीं कहां से एक बच्चा आ गया यार, मेरी गाड़ी से टकरा गया यार। आई एम अ ब्लडी मर्डरर। मैंने उस बच्चे को मार डाला। विक्की, राजीव, वो बच्चा मुझे मुझे हमेशा देखता रहता है, मुझे घूरता रहता है यार, मुझसे सवाल करता है। मैंने उसे क्यों मारा? देख अभी आता ही होगा। विक्की देख, विक्की देख, वो रहा। विक्की मुझे बचा यार, विक्की, आई कांट सी विक्की, वो मुझे घूर रहा है विक्की। राजीव तुझे क्या हुआ यार? व्हाट डू यू वांट टू एंड योर लाइफ? मैं बचपन से ही मैं मेरी दुनिया में रहता था।
बहुत अकेला था मैं कभी ओपन अप नहीं हो पाया यार। मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे, वो जो भी कहते वो पत्थर की लकीर होती थी। उनकी आंखों का एक ही इशारा मेरे लिए काफी होता था। फिर मैं कॉलेज आया, कॉलेज लाइफ हाँ कितनी जॉयफुल, कितनी कलरफुल थी। पहली बार मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहाँ बाहर भेजा था, न्यू फ्रेंड्स न्यू ग्रुप, वाह, मैं एक नई आजादी का अनुभव कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी को दो पंख लग गए हो और मैं उड़ता जा रहा हूं, उड़ता जा रहा हूं, उड़ता जा रहा हूं। उसी दौरान एक लड़की मेरी जिंदगी में आई, खूबसूरत लड़की, पता ही नहीं चला कभी हम लोग, यू नो व्हेन वी फेल इनटू लव, या हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी थे। वही मेरी सुबह, वही मेरी शाम, वही मेरे दिन, वही मेरी रात, वो हर वक्त मेरे साथ रहती थी। उठते बैठते सोते जागते हर वक्त मेरे साथ होती थी। यही लड़की है जिससे मैं मेरी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूं। मगर एक दिन उसने मुझसे बात करनी बंद कर दी यार। उसने मुझसे बात करनी बंद कर दी। अरे एक बार तो उसने बताया होता है यार। नहीं, उसने ऐसे मुझे फेंक दिया जैसे कागज का कोई पन्ना नहीं फाड़ देता। मैंने खूब कोशिश की उसे बात करने की, मगर मुझे अवॉइड करती रही। एक बार थका हारा मैं उसके कमरे में गया, देखता हूं वो किसी लड़के के साथ थी यार। अरे उस लड़के की क्या गलती यार, वो लड़की ऐसी थी। फिर मेरी जिंदगी में दूसरी लड़की आई जिससे मेरी शादी होने वाली है। वो भी मेरे साथ कॉलेज में थे यार, बहुत अच्छी लड़की है, मेरे पेरेंट्स भी उसे बहुत पसंद करते हैं। मगर मैं उससे शादी नहीं कर सकता यार। अरे मैं वो लड़की को नहीं भुला पाया यार, वो मेरे दिलो दिमाग में बसी हुई है यार। इस लड़की से शादी नहीं कर सकता मैं, और मैं मेरे पेरेंट्स को ना नहीं बोल सकता यार, ब्लडी नो मैं नहीं बोल सकता। इस लड़की से शादी करने से, उसकी जिंदगी खराब करने से अच्छा है मैं मेरी जिंदगी खत्म कर लूं यार। विक्की, तू तो अपनी लाइफ का हर मोमेंट को एंजॉय करता है। व्हाई यू वांट टू एंड योर लाइफ? व्हाई यू वांट टू कमिट सुसाइड? Reality is far away from what you see. हर बड़े दरवाजे के पीछे कई छोटे दरवाजे होते हैं जहां कभी रोशनी पहुंच ही नहीं पाती। तुम्हें पता है मैं अपने आप में इतना हंसता क्यों?
मैं अपने आप में इसलिए इतना हंसता हूं ताकि यह दुनिया को मुझ पे हंसने का मौका ना मिले। मैं लोगों की जिंदगी में यार एक मजाक बनकर नहीं रहना चाहता। इसलिए इससे पहले कि दुनिया तुम्हारा मजाक बनाए, तुम खुद ही अपना मजाक बना लो। लेकिन मेरे लाइफ के सारे पैरामीटर्स एक फुल स्टॉप पर आकर रुकते हैं। बचपन की कुछ ही यादें हैं जिन्हें याद कर मैं खुश रह सकूं, दो पल सुकून के बिता सकूं। हाँ याद है तो एक फैमिली पिक्चर, हमारी परफेक्ट फैमिली पिक्चर, डैड मॉम और बीच में मैं। एक दिन मेरी मॉम चली गई हमेशा के लिए, मुझे अकेला छोड़ के, एकदम अकेला। पापा, पापा ने दूसरी शादी कर ली। विकी बेटा, ये मिलो, ये आपकी न्यू मम्मी है। हेलो बोलो बेटा मम्मी को, हेलो। माय लाइफ चेंज 180 डिग्रीज। फिर एक साल में मेरे डैड और मेरी न्यू मॉम को एक बेटी हुई, माय फादर्स एंजल। दैट बिच, शी स्क्रूड अप माय लाइफ। उसके आने के बाद तो जैसे मेरे डैड मुझे भूल ही गए। फिर मेरे डैड अपनी न्यू फैमिली को लेकर अपने न्यू घर शिफ्ट हो गए। मेरी परवरिश में उन्होंने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। पल बेवक्त पैसे देखकर मुझे हक जताते कि मैं तेरा फादर हूं बेटा, तू अनाथ नहीं है, मैं हूं। और ये सब उस एंजल की वजह से हुआ है। Bloody, my friends used to laugh at me, यार। और जो नहीं हंसते वो मुझे सिंपथी की नजरों से देखते। It's been so long since I've spoken to my dad. अब तो मेरे डैड मुझे मिलने भी नहीं आते। अपनी प्रॉपर्टी जायदाद से तो मुझे बेदखल कर ही चुके हैं, मुझे अपनी जिंदगी से लात मार के निकाल चुके हैं। ये सब मेरे डैड की उस एंजल की वजह से हुआ है। समटाइम्स आई फील आई वांट टू किल दैट बिच यार, आई जस्ट वांट टू किल दैट बिच। मैंने अपनी लाइफ का कोई भी डिसीजन अपनी बेस्ट फ्रेंड से पूछे बिना नहीं लिया। मैं आखिरी बार उससे बात करना चाहता हूं। बात है नकुल,
शायद ये मेरा तुम्हारे लिए आखिरी कॉल है। इसके बाद हम कभी नहीं मिल पाएंगे। एंड यू नो द रीजन। नकुल, नकुल जस्ट, अगर तुम मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हो तो जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, कुछ बात करना चाहती हूँ। जस्ट 5 मिनट्स नकुल, प्लीज प्लीज नकुल। आई एम वेटिंग फॉर यू। मुझे मालूम है, मालूम है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। लेकिन आज, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं, कुछ कहना चाहती हूं जो आज तक मैं नहीं कह पाई। लेकिन आज ना कहा तो शायद जी ना सको। नकुल, याद है तुम्हें, याद है तुम्हारी वो 18th बर्थडे, वो क्रेजी रोड्स, वो फायरी कार्स और वो कुछ दीवाने से हम। और वो बच्चा, नकुल, वो बच्चा, नकुल, उसे मैंने मारा था। वो तुम्हारी कार से टकराया जरूर था, पर मैं तुम्हारे ठीक पीछे थी। मैं बहुत तेज चला रही थी, मैं रोक नहीं सकी। आई किल्ड हिम। मैंने उस बच्चे को मार डाला। नकुल, आई एम सॉरी। नकुल, मैं तुम्हें बताना चाहती थी, कुछ कहना चाहती थी, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई। नकुल, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो प्लीज। तुम यहां क्या कर रही हो? ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अरे, इससे तो मेरी शादी होने वाली है। नो राजीव, यू डोंट नीड टू पे फॉर माय सिंस। अजीब दिन है, लगता है भगवान आज मेरी जिंदगी के सारे फैसले सुना देगा। और सुना ही रहा है तो आई मस्ट टेल यू समथिंग। राजीव, आई रियली लव यू कॉलेज से ही। इनफैक्ट आई रियली रियली लव यू। तुम्हें याद है तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड? वो मुझे पसंद नहीं थी, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी मुझे। आई डिडंट वॉन्ट यू टू बी विथ हर। मैंने तुम दोनों के बीच में खूब सारी गलत फहमियां डाल दी थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए। याद है तुम्हें वो रात जब तुम उसके घर गए थे, वो लड़का, वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं, मेरा दोस्त था। मैंने भेजा था उसे। मैं नहीं चाहती थी कि वो तुम्हें किसी भी तरह से सताए।
राजीव, I really love you. राजीव, पर I'm sorry राजीव, मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी, मैं बस तुमसे प्यार करती थी राजीव. I really love you. राजीव मुझे माफ कर दो, माफ कर दो प्लीज राजीव. I'm sorry. यहां क्या कर रही है? यहां किसी एंजल की कोई जरूरत नहीं है. क्या मिला तुम्हें मेरे पापा को मुझसे छीन के? क्या मिला मेरी जिंदगी को मुझसे छीन के? वो सारी खुशियां जो मेरी थी, सिर्फ मेरी, तुमने लूटा है उन्हें मुझसे. तुम्हें जीने का कोई हक ही नहीं है, मैं तुम्हें जीने ही नहीं दूंगा. मारकर मुझे क्या मिलेगा? तुम्हारे मरने से मेरे पापा लौट आएंगे? नहीं. तुम्हारे मरने से वो सारी खुशियां मुझे मिल जाएंगी? नहीं. तुम्हारे मरने से मुझे क्या मिलेगा? इससे तो अच्छा है तुम्हें मुझे मार दो. तुम यही चाहती हो ना? तुम भी खुश, मैं भी खुश. हाँ हाँ, मैं तुम्हें मारना चाहती हूं. नफरत करती हूं तुमसे, नफरत करती हूं. और क्यों ना करूं, मेरे पापा सिर्फ मेरे हैं. मैं अपने पापा को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती. और तुम हो क्या? तुम्हारी पहचान क्या है? तुम मेरे पापा की सिर्फ एक भूल हो, एक गलती, एक बोझ, जिसे मैंने थोड़ा सा हल्का करने की, सिर्फ उनकी थोड़ी सी मदद की थी, थोड़ी सी मदद. लेकिन आज लगता है मैं उनकी पूरी मदद कर दूं. पूरी मदद कर दूं.